हेलो रेवन, आज क्लास में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन पर फोर्थ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ उस स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो सम नहीं सॉरी इनके स्क्वायर का जो सम है वो है 365। तो आपको बताना है कि दोनों नंबर कौन से हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा नोटिस करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं प्लस वाले, इंटीजर्स यानी कि नंबर्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम, मतलब अगर हम लोग इन नंबर्स का स्क्वायर कर दें फिर उन्हें ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ओके क्लियर है। अब इसे करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी। हमने ऐसा एजम्पशन में लिया है कि जो हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है, एक्स और अगला क्या होगा, एक्स प्लस वन, यही तो होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार। जस्ट अ सेकंड, लाइटिंग की प्रॉब्लम। देखिए पहला नंबर x होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके जस्ट अगला वाला क्या होगा, x प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, तो हमारा एक लगातार जो नंबर होते कैसे होते हैं, 1 उसके बाद 2, 2 के बाद 3, तो सब में क्या हो रहा है, प्लस वन ही तो हो रहा है। तो एक नंबर x हो गया तो अगला वाला क्या हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आएंगे हम लोग तो दोनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सामने क्या रख देंगे, 365। यही कहा गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है फॉर्मूला। देखिए एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, और ये 365 को इधर ले आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर 2x माइनस वन सॉरी 364, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 182, इक्वल टू जीरो। अब ये जो 2 है यहाँ 0 से डिवाइड में जाएगा तो ऑब्वियस बात है 0 से डिवाइड करने पे तो 0 ही आंसर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से ऑब्वियस बात है। तो ये जस्ट मेरे को लग रहा है अभी जो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन करा था उसमें भी ऐसी इक्वेशन बन के कुछ आई थी, इसे जस्ट प्रीवियस वाला जो लेक्चर था मैंने जस्ट अभी उसको अटेंड करा था तो उसमें ऐसी ही इक्वेशन बन के आई थी, आप लोग जानते होंगे अगर आपने क्वेश्चन करा हो, कोई बात नहीं। अब 182 आ गया, इसके फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 13 और 14, मुझे अभी भी याद है अभी हम लोगों ने जस्ट करा था तो वही आया था। तो एक्स स्क्वायर एक सेकेंड हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसमें साइड में कर देता हूँ। ओके 182 है हमारे पास, क्या करना है फैक्टर 2, 91, 7, 13, 13, 1, 2 का मल्टीप्लाई 7 में क्या आएगा 14। तो हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x का इस जगह पे x का कोफिशेंट क्या है, 1 है, 1 को ब्रेक करके क्या लिखते हैं 14 माइनस 13 और बाहर x लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जीरो। ये जो x था ना इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, एक 13 में और एक 14 में। ओके अब क्या करना है, कॉमन लेना है, x यहाँ पे कॉमन आ रहा है x प्लस 14, यहाँ पे दोनों तरफ माइनस कॉमन और 13 कॉमन आ सकता है तो x प्लस 14 यहाँ पे ही बचेगा, x प्लस 14 x प्लस 14 एक तरफ लिख दीजिए और x और माइनस का 13 एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और इक्वल टू में जीरो तो चल ही रहा है। जस्ट अभी जो हमारी इक्वेशन आई थी क्या आई थी, x प्लस 14, जस्ट अ सेकेंड थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम, और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, यही तो आया था अभी। क्या कर सकते हैं, दोनों को एक बार जीरो के इक्वल रखेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 14 और यहाँ से वैल्यू आएगी प्लस का 13। ये वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव तो यही होगा, ये नेगेटिव वैल्यू है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग इस पॉजिटिव वैल्यू को साथ में लेके आगे चलेंगे। तो हमारे पास एक क्या आ गया, 13 आ गया, दूसरा नंबर क्या होगा,
क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर आ चुका है एक्स 13, तो सेकंड नंबर या अदर नंबर कह सकते हैं, सेकंड नंबर क्या था एक्स प्लस वन, यानी 13 प्लस वन विच इज़ अल्टीमेटली 14। ओके, तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके 13 और 14। अगर इन दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करना था नहीं नहीं स्क्वायर का सम करना था, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, दोनों का सम कर दीजिए 365 होगा। ओके, ये यहाँ पे चेक भी हो गया है, ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अगर छोटा मोटा नंबर आ जाए तो दो मिनट में आपको स्क्वायर तो याद ही होगा, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर, एटलीस्ट 30 तक तो स्क्वायर आपको याद ही होंगे, तो आप कुछ ही देर में चेक कर ही सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है इसमें कुछ टफ था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।